और जोर से पूरी ताकत और जोर से पंगे की स्पीड कम जकड़ो उसको और तेजी से पंगे की स्पीड कम करो चल लगा पूरी ताकत तेजी से जकड़ो उसको पूरी ताकत चश्मा निकालो चश्मा निकालो फिर जकड़ लो उसको तेज से हाथ मत करो कोई पेशेंट को चश्मा खींचो पट बोल के जकड़ो उसको और तेज से लगा पूरी ताकत लगा अब जलाओ उसको तेजी से आग लगाओ उसके अंदर بسم الله الرحمن الرحيم الله الظالم الغيب شهادة أنت الرحمن بين اللهم إني أحد إليك في هذه الحياة الدنيا شهد الله عيدا إلا أنت واحد بلا شريك لك أشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلنا إلا نفسي بعينك تكلنا إلا نفسي تقربني إلا شهد مخير وإني لا تكلم الله برحمتك فجأني إنك أحد توفي إلا يوم الخير إنك لا تقل في الميعاد وصلى الله تعالى محمد وآل صحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فاض السماوات والأرض الظالم الغيب اللهم فاض السماوات والأرض الظالم الغيب شهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أحد إليك في حاضره حياة الدنيا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أشهد أن محمدا عبدك ورسولك فعلا تكلنا إلا نفسي بعينك تكلنا إلا نفسي تقربني إلى شنطة وإني لا تكلم الله برحمتك فجأت إنك عدن توفي إلا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمتك يا الراحمين जकड़ लो उसको और तेजी से बुलाओ उसको बन के डाल के मारने वाली फौज को बाहर से तेजी से खूब मारो जकड़ो उसको जकड़ो उसको और तेज से जकड़ लो उसको और तेज से बुलाओ बाहर से उसको मारने वाली जकड़ के फौज को तेजी से आज खूब मारो जंजीरा डाल के लगा ले पूरी ताकत लगा ले नाक में वो कांधों पे लगा नाइट पीस नाक में बोले ना पी अंदर से नाक के खड़े रहे घुमा के अंदर से ना जकड़ो उसको और तेजी से पीठ पे लगाओ कांधों पे लगाओ खड़ी अकेले से खींचो रिवर्स यू सिर पे से पीछे क्या देखते भीड़ो जरा देखते जाना सही तरीके से मालूम होता अरे कपड़े पे से खींचो सीधा ऊपर से पीठ पे से ऊपर से ऐसे इधर बस सिर पे से खींचो हां सर्व साइड में बस बस होगा जल्दी बता ले कितनी ताकत है तेरी पूरी जल्दी बता सब लोगों को बहुत मार पड़ने वाली उससे पहले पूरी ताकत बता ले कितनी है तो जल्दी लगा पूरी ताकत हाँ जकड़ो उसको और तेजी से जंजीरा ऐसे डाल के कसो उसके से हाथ आवाता तोड़ देंगे उसके तेजी से जकड़ लो हाथा काट के ले लूंगा मैं ले लूंगा वो दोनों भी हाथा काट के उसके भस्म करूंगा उसको दो टुकड़े करके
कितने साल से परेशान कर रहा था हाँ? कौन ला के डाले थे औरत ने आदमी ने कहां से लाए थे शमशान से कब्रस्तान से कहां से लाए थे कहां से आया था हाँ जोर से और जोर से आग लगाओ उसके अंदर तेजी से जकड़ के रखो उसको तेजी से गिलास में का दर्द उसके पेट में से भी आग लगेंगी जकड़ लो तेज से डालो थोड़ा बस बच्चे को बाहर दे दो जब तक गिलास हाथ में लो सामने पकड़ो उनके गिलास सामने पकड़ो उनके ऊपर लो ऊपर लो ऊपर लो उनके पास वहीं दे रही इनके इनके पास पिला उनको बात मत करो पिला उसके पेट में से आग लगाओ झगड़ो उसको तेजी से बात मत करो कब मारने वाला था मास में पूनम में कब मारो बोले थे कब जलाओ उसको और तेजी जलाओ कब मारो बोले थे अम्मास में पुन्नम में जगड़ लो उसको और तेजी जगड़ो चलाओ उसको अंदर से तेजी से उसके दोनों हाथों में भी आग लगाओ तेजी से बोल कब मारो बोले थे चलाओ उसके हाथों में अब लगा दो तेजी से आग लगा दो दोनों हाथों में निकालो मुंह का दोनों हाथों में तेजी से आग लगा दो उसके
हाँ दोनों हाथों में तेजी से ही पानी डालो पानी डालो थोड़ा है क्या है पिलाओ निकला उसके अंदर से लगा दो आंख तेजी से लगाओ तेज जकड़ लो और तेज जकड़ो उसको ये खुले करो कान जकड़ लो उसको और तेज से जल्दी जल्दी الرحمن الرحيم فإنه يسلم من بين الغم خفي مرصد ليعلم الخطاب لغسالة رب واحد من الناس كل شيء مدد बोल कितने टुकड़े करूं चार करूं करूं दो करूं नहीं, दो करूं के चार नहीं, नहीं, खड़े टुकड़े करूं कि आड़े करूं चार कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ नहीं, कब मारने वाले थे इसको कब मारो बोले थे कब मारो बोले थे हाँ जल्दी सवाल का जवाब मेरे तो अभी टुकड़े करा दूंगा नहीं, 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 छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं छोड़ू क्या नको छोड़ो छोड़ दे छोड़ दे हां छोड़ दे छोड़ू हां छोड़ू क्या नको कहां से आया था कहां से आया ये सब जादू डोना कहां से हां हां कहां से कहां से कब्रिस्तान से मसनवाटिया से कौन डाले थे कब मारने वाले थे अम्मास में पुन्नम में हाँ और किस किस को मारने वाले थे इसके शोहर को भी मारने वाले थे हाँ नहीं हाँ उसके कामा कौन नहीं बनने दे रहा था उसके शोहर के अड़थड़े कई को आ रहे थे घर से नहीं कुछ नहीं करा घर से खैरो बरकत कौन उड़ाए थे हाँ मियां बीवी में झगड़े कौन लगा रहे थे हाँ तू लगा रहा था और क्या कर रहा था और
अच्छा उसके बच्चों को भी मारने वाले थे छोटे, उनको भी बीमार कर रहा था तू, अंदर से कमजोर कर रहा था। छोड़ते नहीं, जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको, जकड़ो। कभी मिला के खिलाए थे जल्दी गुस्सा नहीं आना मुझे, और फौरन इंदा और टुकड़े करा दूंगा। पेट में से आग लगाओ उसके, जकड़ो उसको तेज से, गट करके निकलाओ उसको। छोटे बच्चों को भी परेशान कर रहे थे उसके। हाँ बोल। क्या पूछा मैं जवाब? अच्छा ये हाथ काट दूँ क्या पहले? ठीक है, ये हाथ काटने की तैयारी कराता हूँ, अभी ले लूँ काट के ये हाथ। नहीं, ले लेता हूँ हाथ काट, ले लेता हूँ हाथ काट के, भी भस्म करने लगा देता हूँ। देख लिया तेरी सारी शक्तियां बेबस हैं, अल्लाह कलाम की ताकत है, देख लिया ना। चलो बता सही सही। हाँ क्या पूछा मैं जवाब? यहाँ रख दो। कर दो इसकी सारी जादू टोने की क्रियाओं को खत्म करो, सारी शक्तियों को जकड़ के भस्म करो तेज से, जकड़ लो, कैद कर दो उसके सारे जादू टोने को, कैद करो। कैद करो उसके जादू टोने को और तेज से कैद करो, तेज से उसकी सारी शक्ति खत्म करो, तेज जकड़ लो। बच्ची की क्या दुश्मनी थी तेरी? बच्ची की क्या दुश्मनी है ऐसी? हाँ क्या लेके गए थे जादू चलाते टाइम पे? बोल क्या लेके गए थे जादू चलाते टाइम पे? क्या लिए थे? क्या लिए थे? पूरे टुकड़ा कर देता हूँ, एक बार भी नहीं छोड़ता। जादू चलाते टाइम पे क्या लिए थे? क्या लिख गए थे?
जादू चलाते वक्त क्या लिख गए थे बच्ची का, क्या लिए थे? कितना टाइम होगा ली जाकर? 10 साल। अच्छा, और क्या लिए थे उसके साथ में? कौन सा कपड़ा? कौन सा कपड़ा? पहले बोल, पहले कौन सा कपड़ा? कौन सा कपड़ा? चकड़ लो उसको, चलाओ टुकड़ा करो। कौन सा कपड़ा था वो? क्या? अच्छा, और उसके साथ क्या लिए थे? हाँ, बच्ची को कई में मिलाकर खिलाए। जादू कैसा चलाए? खिलाकर चलाए क्या? अच्छा, जादू चल का बाल जो लग गई थी वो औरत थी, आदमी था वो? अच्छा, कहाँ रही थी वो औरत? इनके गाँव की है, दूसरे गाँव की है? हाँ, उसके की है। अच्छा, क्या दुश्मनी थी बच्ची के साथ में उनकी? नाम पूछो। नाम पूछो क्या? फोन करा तो नाम बताओ, इससे पहले नाम निकला क्या? हाँ जी, हम बताए तो सारा जने किया तो बता बानू। अरे झूठ बोला था, सही बोला था? जब झूठ बोला था, सही बोला था, झूठ बोला था? सही बोला था। अच्छा, कौन है फिर? नाम बोलो उनके। बानू। हाँ, और हाँ, और हाँ, और हाँ, चल बोल, जल्दी जल्दी बोल। हाँ, और कौन है? हाँ, और कौन है? और हो गए, और है कोई और? ये बच्ची की क्या दुश्मनी थी इसी, इस पे जादू कर दिया? कब मारो बोले थे? उनकी बहू थी ये। अच्छा, पहले उनकी बहू थी। अच्छा, निकालना चाहते थे इसको, वो सब जने इसीलिए मेरे को भेजे। अच्छा, तुझे कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रिस्तान से, बाहर के घर से? बड़के दरख्त से। तू वहां क्या करता था? मैं रहता था वो मेरे घर में। जो दरख्त पर रहता था तू, कौन लाया था? हिंदू था, मुसलमान था, जादूगर? हिंदू था वो। कितने रुपए लिया था उनसे जादू चलाने के? जादूगर ने कितने रुपए लिया था? बस इतने में जिंदगी खराब कर देने लोगों के बारे। और तुझे क्या हुकुम दिए थे? मार डालेगा इसको, मार डालेगा, खत्म कर देगा। कितने साल के बाद? जब जब क्या जब जैसा वक्त मिला वैसा। अच्छा, इसके बच्चों को भी मार दो बोले थे, छोटे बच्चों को? कौन से बच्चों को पहले मारने वाले थे छोटे को? इमरान। उसके बाद इमरान को कैसे मारने वाले? उसके पेट में जो मारने वाले थे। क्या करके? लेकिन वो बच गया। और उसके बाद? उसके बाद उसने उसकी शादी कर दी, दूसरे शादी कर दी। नहीं नहीं, दूसरी मगर मैंने फिर भी नहीं छोड़ा उसको, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। कितना ये बच्ची को मारने को कितना वक्त बचा था? हाउ मच टाइम? कितना है, सही बोल, कितना बचा था? कितना टाइम बचा था ये बच्ची को मारने को? कितना वक्त बचा था? क्या नाम है बच्ची का? फातिमा। फातिमा को मारने को कितना वक्त बचा था? जल्दी बोल। फातिमा ने इसका नाम निलोफर है। निलोफर, इनका नाम पूछ रहा मैं, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा क्या? हाँ, और कब मारने वाला था नीलोफर को?
बोला ना जब बीच। हाँ क्या? जब भी मारने वाला तो मैं ही बच गई। फिर कब मारने वाला मौका देख के? हाँ। अच्छा बीमारी डाल के? हर वक्त मैं मारने की कोशिश करता उसको। हाँ। वो बच जाती। अपना दिमाग लगाते ही बच जाती साले। बीमारी डाल के? वो दिमाग चलता है इसका। तो कब मैं मार देता था मैं इसको? कब गए? बीमारी बदल के एक्सीडेंट करके कैसा मारने वाले थे? हाँ। कैसा मारने वाले थे? हाँ। परेशान करके खुदकुशी करने लगाने वाला था। खुदकुशी। अच्छा कैसी खुदकुशी? क्या करने वाला था? जहर पिला रहा था? छत पे से गिरा रहा था? फांदा डाल के फांसी देने वाला था? कुछ भी, कुछ भी। कैसे भी तरीके से मार रहा है, मार रहा है तो। अच्छा उसके बच्चों में, वो छोटी बच्ची को भी मारने आ लेके उसकी बेटी को परेशान करना चाहता था मैं इसको, परेशान। इसलिए उसके छोटी बच्ची को परेशान करा मैंने। क्या परेशानी डाला था? क्या तो तंग करना उन्हें ने। हाँ। परेशान हो जाना इन्हें ने, मर जाना। और हाँ। ये भी उसको कुछ कर देना। हाँ। कहीं में मिला के खिलाए थे इस जादू की चीज़? गोश्त का साला ने। कौन सा गोश्त था वो? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा सालन में पड़ेगे। अब क्या करना तेरे साथ सुलूक, वही सोच रहा हूँ मैं। तेरे टुकड़े करूँ कि तेरे को बाटल में डाल जमीन में गाड़ू? तू लोगों की जिंदगी खैद कर रहा है, तुझे खैद कर लू क्या? बोल क्या करूँ, खैद कर लूँ तुझे? नहीं, नहीं, नहीं। एक काम करता, चार टुकड़े करूँ, दो टुकड़े करूँ तेरे? सुने नहीं आ रहा मुझे? नहीं। दो करूँ, चार करूँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू फिर देखेंगे तेरे, एक बड़के झाड़ पे टुकड़ा बिखेरता हूँ कब्रस्तान में, एक शमशान में, एक टुकड़े में बाहर टांग के रखता हूँ। नहीं। चार टुकड़े करता हूँ? नहीं। करूँ? नहीं, नहीं। उसके मर्द को क्या कर रहा था तू? बच्ची के इनका क्या नाम है? नीलोफर। नीलोफर बी के शोहर को क्या कर रहा था तू? कुछ नहीं करा मैंने उसको। उसको मार देने वाला था? कुछ नहीं करा। हाँ। परेशान है कहाँ से लगे घर में? खैर बरकत कहाँ से उड़ी? पैसा क्यों नहीं आ रहा था सब? कर्ज में क्यों जा रहे थे? क्या क्या हो रही दास्तान बोल? इसकी जब भी बहना पहली वो कर रही सब कुछ। अच्छा पागल बन गया उसके हाथ में ये। तो मैं नहीं आता इसको। इसके साथ में बुरा बर्ताव करता बहुत है, ये मालूम नहीं ये कितना है। मेरे को बड़ा तो ये क्या मालूम नहीं, देखो अकेले देता दोनों को बराबर। मैं भी सिखाता फिर उसको, सिखाता मैं। छोड़ दे इसको, छोड़ दे, तलाक ले ले इससे और मर जा। बहुत रहता मैं मेरे साथ को, सुनते ही नहीं मगर ये दीवाना है इसका, ये पहली बीवी का दीवाना। जो बोले बहुत सुनता इसका। उन्हें ने कहीं मिला खिलाई थी इसको? कौन सी चीज में दवा डाली थी उन्होंने? कौन से चीज में? उसे भी खाने में मिलाई। हाँ, कौन से खाने में मिला के है तुमने इसको? कौन से खाने में खिलाई थी? कौन सा था वो खाना? कौन सा खाना था वो? कितने साल हो गए? छोड़ ही नहीं मन माने कर रहा तू लोगों की जाना लेता। कितने लोगों को मारा अभी तक? किसी को नहीं। सही बोल। किसी को नहीं। सही बोल। किसी को भी नहीं बोला ना। पहला ये स्थिति का तेरा शिकार इसको मारने? मैं इसी को मारने आया बस। अच्छा इसको मार के कहाँ ले जाकर बिठाने वाला था? बड़के झाड़ में बिठाने वाला था या रोडों पे फिराने वाला था? मार कर नहीं बोलूंगा, बोलना पड़ता ना तभी जला देता हूँ। मेरी बनाने वाला था इसको। क्या करने वाला था? मेरी बनाने वाला था। मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मार के मेरी बना देने वाला था इसको। अच्छा और बड़के झाड़ पे बिठाने वाला था, रोडों पे फिराने वाला था? कुछ भी करूंगा मैं।
बाबा का रथ चल रहा है, जकड़ो उसको ना लो इनको तो। हाँ बोल। अभी तक कितने बीवे बनाया तूने? कितने बीवे हैं? पांच। कितने? पांच। पांच है। सबका जी रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने भगवान। तुम मुसलमान करते हैं ना चार चार? हाँ मैंने भी करा। कितने? पांच। पांच। अब पांच कर दिया तो मुसलमान बन जाना फिर कलमा पढ़ के। बनेगा मुसलमान? पढ़ ले कलमा, पढ़ मेरा गुलाम बन जा चल, और जाके फिर बड़ के झाड़ पे पढ़ जा, समझ गा? लोगों का भला करना, किसी का बुरा नहीं करना दुनिया में, गलत बात है बुरा करना, समझा? बुरे लोगों के साथ बुरा करना, बेगुनाहों को बुरा नहीं करना। मुसलमान पांच की तो चार करते तो ये पांच खरा करते। वाह कमाल दिख रही मुझे भाई। हिंदू है क्या? कौन है तू? किसको मानता? सुलेमान अलैहि सलाम को मानता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता? किसी को भी नहीं। खबीस है इसका मतलब तू? और नहीं 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 खबीस है, मरियाला है, पिशाच है, पिशाच है, नहीं खून पिता, नहीं खून पीने वाले जात का है, नहीं क्या है? नहीं। देखा ना ये किसकी चलने नहीं देते यहाँ, यहाँ अल्लाह का कलाम है, यहाँ पे कुरान की ताकत सबसे बड़ी। कहा जकड़ लिए थे पर मार रहे कुरान की ताकत। अब मैं हुक्म देते टुकड़े भी हो जाते तेरे। पांच बीबी आए तो पांच टुकड़े करके पांचों को पांच पार्सल कर दूं। नहीं। दे था पांचों को पांच टुकड़े भेज के। बोल। ये इसको क्या करने आता तुम्हार की? इससे भी शादी करने आता? हाँ। हाँ। वाह रे कमाल दिख रही भाई। बाबा का राज चल रहा क्या दुनिया में? गौस बंदे अल्लाह के किधर है सब? इनका राज चलता दुनिया में, बाप का राज नहीं चलता तुम्हारे। कानून खादे जो बनाए वाले गौस खुतूब अब्दाल वली अल्लाह इनका राज है, तुम्हारे बाप दादाओं का थोड़ा अच्छा था। खबीस के बच्चों नहीं नहीं खबीस है। ट्रेसर मारते पकड़ा गया यहाँ पे। कौन है तू? बढ़ के झाड़ पे बैठने वाला शैतान। बड़के झाड़ के नीचे का खजाना है क्या? ऊपर मेरा घर है वो। अच्छा तोड़ दू क्या के झाड़ को पूरा? नहीं। दो टुकड़े? नहीं। एक काम करता हूँ, झाड़ के भी चार टुकड़े कर देता, तेरे भी चार कर देता। नहीं। अच्छा वो शादियां करा तूने चार पांच, तो वो औरता कहाँ से लाया तूने? उनको भी मार के करा के फिर ऐसा कैसा करा? कहाँ से करा? मार के करा। मार के करा? कमीने से पहले झूठ बोला किसी को नहीं मारा बोल के। पांच मार के भी मैंने बोला इनके घर के किसी को नहीं मारा मैंने। अच्छा इसका मतलब अवाम को मारा तूने? हाँ। कितनी अवाम मारा अभी तक? कितनी जनता को मारा अभी तक? बोल शादी में क्या बनता रे तुम्हारे? खाना क्या इसी सुन जाती शादी? क्या क्या बनता? क्या बनाते? गोश्त। कहे का? बड़े का। अरे बाप रे इन्होंने गोश्त चुरा के लिया क्या? गोश्त की दुकान में किसी गोश्त चोरी हुआ क्या? नहीं चुरा नहीं। हाँ फिर कैसा ली जाता गोश्त? बैल को लेकर आते। हाँ बैल को लेकर आते। हाँ फिर क्या करते उसको? जो मेरे को बुलाता वो मेरे को बैल देता। अच्छा फिर वो क्या करता गोश्त लेके चल जाता? वाह भाई कमाल दिख रही। क्या बना था? कोश कच्चा खाते का पका लेता मैं कच्चा। और बाराते यहाँ कौन रहते शादी में? तेरे रिश्तेदार? दूसरे झाड़ों से आते क्या? उपड़ के झाड़ों से? उनको कितना उन्हों कितना खाते एक टाइम पे? कितना खाते? कितना खाते जो पूछा उसका सही तरीके से। हाँ कितना खाते एक टाइम पे? तुझे खाते मिलके? हाँ मिलके खाते। सब मिलके खाते? बैल कहीं का भी उठा के ला लेते क्या रस्ते में का? क्यों करता? वो
वो कहाँ से लेकर था मेरे को मैं मालूम वही लेकर आता। अच्छा बच्चे कितने तुझे? पांच औरतों से बच्चे कितने? एक भी नहीं। एक भी नहीं क्यों? अभी होने वाले है क्या? वाह लोगों को जुलूम दे रहा, लोगों के बच्चों को मारो, तेरे कैसे अल्लाह तेरे कैसे खानदान को पलने पुलने देंगे अभी ये? हाँ कायनात अल्लाह की है, अल्लाह के वलियों की हुकूमत चलती दुनिया पे, तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं। अब्दाला है, खुतुबा है, लास्ट में गौस है। समझा क्या? ना रहा है किसको परेशान नहीं करना। छोड़ दे तो जरा तो छोड़ी तेरे को, तू मनमाना कर रहा, फिर मार दिया करा तो किसी को क्या भरोसा तेरा? देख मेरे से तो तू टकरा नहीं सकता, देख लिया ना अभी कैसे अल्लाह का कलाम। देखा नहीं देखा? नहीं, देखा, नहीं, देखा। क्या टकराएगा मेरे से? बोल नहीं नहीं। अगर तू होशियार ना करेगा तो तेरे पूरा उतार के सरफ जला के राख कर दूंगा। अगर सीधे तरीके से जाता हूँ तो मौका देता हूँ सीधा चले जा, और दवा जो भी अटके आएंगी उल्टिया मोशन लगा के निकाल दे। अगर मेरे साथ टट करने की कोशिश करेगा तो फिर देख क्या आर्थिक ताकत, तो अभी तो देख लिया ना ट्रेला कैसी लग रहा था। बोला और क्या पूछ रहा है इससे? इंसान कभी गोश्त खाता क्या? कभी खाया क्या इंसान? घोर है नहीं। सिर्फ जानवर खाता, जो जानवर मिला वो? नहीं। हाँ जानवर भी कितने किस्म के होते हैं? सिर्फ एक ही जानवर था? बैल, सिर्फ बैल। अच्छा, और झाड़ पे बैठ के रहता? कौन से झाड़ पे? बरगद के। हाँ बरगद के, बरगद का दरा, बड़ का झाड़। बरगद इसका नाम क्या है? नाम क्या है? क्या नाम है? राजा। हाँ राजा। कितनी है फौज राजा की? फौज नहीं है, खाली पांच बीवियां से बस, पांच बेगमान एक राजा। वारे राजा तुम मन मानिया करते फिर लोगों के अंग में करेंगे आप दोबारा परेशान किसको? करेंगे दोबारा कभी किसको परेशान? नहीं। और आदमियों को कितने मारा तूने अभी तक? वो बरगद का दरख्त है कहाँ पर? वो रोड पे है, कब्रस्तान में, मसनवाटे में, कहाँ पर है? जिंसी। औरंगाबाद जिंसी। जिंसी तेरी जिंसी? औरंगाबाद जिंसी। औरंगाबाद जिंसी बोलते हैं। औरंगाबाद कहाँ पे है? अपना आवाज उठा औरंगाबाद उधर वन कैमरा क्या? औरंगाबाद जिंसी में। औरंगाबाद जिंसी कहाँ पर है? औरंगाबाद शहर में जिंसी बोल के मोहल्ला है। औरंगाबाद कहाँ पर? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का के बिहार का? महाराष्ट्र का। क्या कहा? अरे कहाँ का? महाराष्ट्र का औरंगाबाद। वहाँ का महाराष्ट्र। क्या कहा? तो झाड़ कहाँ पर है? रोड पे है, जंगल में, कहाँ पर है? मैदान में है, जिंसी मैदान में। अच्छा ये बच्ची थोड़ी गई थी, बच्ची गई थी वहाँ पर क्या? जादूगर ने पकड़ के लाया था? हाँ, उसका ससुराल था। हाँ। वहाँ रहती थी ये। हाँ। 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 रहती थी। अच्छा तुझे तो खुद ब खुद आया, तुझे जादूगर ने पकड़ के लाया वो? सास नहीं बुलाई। अच्छा इसकी सास नहीं बुलाई? किसकी सास नहीं बुलाई? नाम बोल उसका, किसकी सास? नीलाभर की सास जो पहले थी। तो क्या नाम था वो? भानो। अच्छा भानो नाम है इसका। क्या करूँ अब तेरे साथ, बोल छोड़ दूँ क्या, मार दूँ तुझे? और कुछ पूछना है क्या? पूछना है अभी बच्चे को परेशान कर रहा है, छोटी बच्ची को? छोटे बच्ची को परेशान कर रहा था? खून पी रहा था उसका? नहीं। अच्छा ये जो नीलोफर, इसका भी खून पीता तू? नहीं। रात में इसको परेशान करता तू नींद में?
क्या होगा? सुन भी नहीं लेता है, ये आवाज करते रहता है। इसको बीवी बना के रखा था तूने अभी से? नहीं, मारने के बाद बीवी बनाने वाला था या अभी से बना दिया? मारने के बाद अभी नहीं बन सकती है। दिमाग चलता बहुत इसका, तुमको नहीं मालूम? सब समझ में आता उसके, बनाने की कोशिश करता नहीं बोलती वो, उसको वह में डालने की कोशिश करता नहीं जाती वो। चलो अब क्या करना थे, सब क्या फैसला देना बोलो। दुनिया तेरे बाप की नहीं है, दुनिया में अल्लाह की दुनिया है, और अल्लाह पाक ने हुकूमत खुतुब अब्दाल लास्ट में गौस बनता अल्लाह के उनके हाथ में दिया गई थी। बाप का तेरा रात चल रहा रे, हाँ कैसा मारते देखा ना यहाँ अल्लाह कलाम की ताकत। चल तोबा कर, उठा दो वहां था, तोबा कर, तोबा जल्दी, तोबा तोबा जबान से, तोबा 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 जबान से, जोर से, तोबा 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 तोबा। मारेगा कोई इंसान को दुनिया में? जालिमों को मार, अच्छे लोगों को, बेगुनाहों को नहीं मारना। जो जुलूम दे रहा है, मस्तियां कर रहा है दुनिया में, तो उसको फिर जीने का हक़ नहीं, उसको मार। बेगुनाहों को, कमजोरों को ताकत नहीं दिखाना। नाला चल, हाँ फौरी निकल उसके अंदर से, निकल, रास्ता खुला छोड़ के भागो जल्दी। दोबारा मेरे को दिखना नहीं उसके आंख में, दिखाना तो अभी तो भी खाली तेरे सवाल जवाब कर रहा, मैं ज्यादा मारने नहीं लगा। नहीं इसके आंख पे नहीं है, उसके पेट में। हाँ चल निकल, रास्ता छोड़ के जल्दी बाहर। उल्टे और मोशन लगा के लेके निकालना उसके, सारे उल्टे में पूरी दवा बाहर निकाल के फेंक देना, और मोशन में संडास में उल्टे में जरी अंदर बाकी नहीं रहना, कोई दाल निकलने वाली मेरे सामने, समझा ना? नालायक नहीं निकल सकता बोल रहा। बाप का रात चल रहा, क्या नहीं निकलने को? पांच टुकड़े करके पांच औरतों के पास भेजूंगा पार्सल। देखा ना उतनी तो ताकत है मेरे पास, करके एक मिनट में भेज दूंगा। देखा नहीं देखा यहाँ ताकत? देखा क्या? अदब के मकाम में आके फौरी निकलने की कार्रवाई कर, नहीं तो अब भी कार्रवाई करा के जला के पूरा राख करने की करूंगा। भाग भाग। इसकी सारी पेट में की दवाओं को जकड़ने की तैयारी करो, और सारी दवा को जकड़ के मोशन में संडास में उल्टे में सब निकाल के बाहर फेंक दो। कुछ जरा बचना नहीं, सारे बच्चे कुछ कार में जला के रख करो, उन्हें इज्जत से चले जाता हूँ, तो उसको इज्जत से छोड़ दो। उसके भी बीवी बच्चे क्या क्या उसकी दुनिया में, उसको छोड़ो। अगर मन मानिया करा और होशियारियां करा तो फौरी कैद कर दो उसको। आओ नीलो फर भी पानी पियो। हेलो फरबी, पानी पी। कहाँ से आए तुम लोग? जोर से बोलो। केरला से। केरला? केरला, केरला, चेन्नई। चेन्नई के सबसे नीचे केरला। अच्छा, क्या करते हैं? मैं थोड़ा कारोबार है। क्या चीज? कपड़े का। बोले तो कपड़े का कारोबार बना के बिकाना, सेल कर, सेल सेल कर। और तो काज में होगा लेडीज जेंट्स? कोई लेडीज का? देखो सुन लिए क्या दास्तान है? तो सब इतनी कमाल बोलना, अभी तक कितने पांच औरतों को मार के जा करके फिर रहा सब यहाँ से दास्तान। देखो एक मौला ने से वो तौबा भी कर दिया, चार बार तौबा कर चुका। वो वैसा नहीं जाता, क्या बोला उन्होंने? सुनो क्या बोला अभी उन्होंने, मैं जा नहीं सकता, पेट में फंसा के बैठा वाला है, पेट में फंसा वाला बोल तो हर चीज का इल्म मेरे को तो मालूम है, कहाँ कैसा बैठा और कैसा निकालना। अगर उन्हें ऊपरी लगे वाला रहता तो अभी निकल के चले जाता था, मगर उसको बिठाए वाला है जैसा लोहा, जैसा मखनाती खींचता लोहा लोक चिमक को कैसा खींचता, पेट में की दवा उसको खींच के बुलाते रहती।
उन्हें बेचारा बरगद के दरख्त पे जाके पड़ा था, उसको फिर वापस लाती बुला के अंदर की क्रिया दवा अमल के दौरान में इंशाल्लाह ताला उल्टियां और मोशन कुछ लगेंगे। ए कैमरे वाले इधर से जा कैमरे की तरफ, तो उल्टियां और मोशन लग के फिर आगे निकलेंगे सही तरीके से, कुछ अमल कराना पड़ेगा। जैसे मैं अमल बताऊंगा उसे कराओ सब निकल जाएगा। इनको कुरान में पढ़ने आती अल्लाह ने सारे चीजें क्या बोलते तो इंसान क्या होते बहुत बड़े बड़े तोहफे उतारे वाले है। पढ़ो विरासत में तुम्हारा ऐसी चीजें दिया अल्लाह ने कि बहुत बड़ी दास्तान है कुरान और सूरह यासीन, वो सब ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, दुआ के पानी एकदम करके पीते जाना। और दूसरी बात के ये सब ऐसे हमारा करेंगे तो ये शयातीन से ये सब चीजों से महफूज रहते हैं। पर ये शयातीन ये शैतान ये जो भी दास्तान है देखो सुन लो तुम्हारे हिसाब से क्या है क्या नहीं सामने बता दे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अमल इबादत का ज्यादा से ज्यादा करो, इबादत की रस्सी को अगर तुम मजबूती से थामेंगे तो ये सब चीजें तुम्हारे ये चीजों से महफूज रखेंगे अल्लाह। बशर्त की इबादत तुम पहले से करो, इबादत करने के दौरान तुम्हारे ऊपर कोई जादू चलाया तो अल्लाह वो जादू चलने नहीं देता, चार कदम जाते निकाल के फेंकने का हुक्म देता पूरा, कोई ना अगर खिला भी दिया। और तुम इबादत नहीं कर रहे, नमाज पांच वक्त की नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, एक मामूल बनाओ ना, दिन में से 50 बार तो तुम मोबाइल चला रहे हो, तो ऐसा दौर होगा कि 24 घंटे पेशेंट इंसानों के हाथों में मोबाइल है, सो रहे भी तो मोबाइल है उसमें खड़ा कर रहे हैं, जग रहे भी तो मोबाइल में खड़ा कर रहे, मोबाइल के अंदर भी कुरान मौजूद है ना, उसमें कुरान का कुछ ऐप्स है, इस्लाम 360 बोल के ऐप्स है, बहुत सारे ऐप्स है, उसको डाउनलोड करो, उसमें से डाउनलोड करके एक तो सुनो अगर पढ़ नहीं सकते तो, नहीं तो फिर पढ़ो, या अंदर से पढ़ना सीखना तो पढ़ना भी सीख सकते तुम, मगर कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो, ये सब शयातीनों से बलाओं से हर चीज से तुम महफूज रहेंगे। और भी आसमानी किताबें बहुत थे, तौरे जबूर इंजिल, मगर वो सब एक्सपायर हो गए। कुरान अव्वल व आखिर किताब क़यामत तक के वास्ते उतार दिया गया, बहुत आला व अफजल मकाम है कुरान का, पढ़ो तुम्हारे दिन का सुकून भी मिलेगा और बहुत सारे दफा भी। अब मेरी एक बात याद रखना, कोई जादूगर के पास नहीं जाना, जादूगर तो अच्छा नहीं कर सकता मगर तुम्हारी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देता, उल्टे टिल्टे चीजें दे देके उल्टे शयातीन आके तुम्हारे घर में सब तबाही बर्बादी लगा देते। तुमको अगर आबाद होना है और सुकून में रहना है और तुम्हारे दिल और दिमाग को रूहानियत को सुकून होना, तो सुकून के वास्ते अल्लाह ने कुरान उतारे, अल्लाह कुरान, बाकी जो किताबें हैं सब एक्सपायर हो गए, सब तो है जबूरी दिन, वो तुम पढ़ेंगे वो तुम जो भी लोग सुन रहे जो भी पढ़ने वाले तो उससे तुम्हारा उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना तुमको कुरान पढ़ने से मिलेगा। और कुरान ऐसा जरूरी नहीं है कि मुसलमानों के वास्ते उतारे वाला है, मुसलमानों कुछ विरासत में मिला ऐसा नहीं है, कुरान हर धर्म के इंसान के वास्ते उतारे वाला है, जितनी इंसानियत है दुनिया के अंदर इंसानियत के वास्ते उतारे वाला है। नहाओ धो और क्या बोलते पाक साफ होकर कुरान पढ़ने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे को दिल को महसूस होगा सुकून, दिल दिमाग को सारा चारों तरफ से डिप्रेशन हटेगा, जादू को हटेगा, तुमको अच्छा महसूस होगा। जब मैं पूछा तो कंटिन्यू मामूल बनाना पढ़ने का, पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए। बाकी मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि जादू टोना मत करा करो एक दूसरे के ऊपर, ये बहुत बुरी बुरी चीज़ है, जादूगर के पास बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ जाने से एक तो तुम्हारा करने को भी अगर तुम किसी को जा रहे जादू तो तुम्हारा ईमान खराब, और हटाने को भी जा रहे तो ईमान खराब, तुम अगर हटाने को भी जा रहे उसके पास तो भी तुम्हारा ईमान व आखिरत खराब हो जाती है, और करने को जा रहे क्योंकि उसको हटाने नहीं आता मगर वो उल्टे टिल्टे चीजें देके तुम्हारे को एक शिर्क की पटरी पर लेकर आ जाता है जिसको ओरिजिनल शिर्क। हाँ दरगाह पे जाना शिर्क नहीं, अल्लाह के वलियों के पास जाना शिर्क नहीं है, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, उन्होंने अल्लाह के वलियों ने बुजुर्गान दीनों ने अपनी जिंदगी अल्लाह के लौ में मिटा दी है, ना उन्होंने रात देखे ना दिन देखे ना पानी ना बारिश ना तूफान ना बीबी ना बच्चे, अल्लाह के लौ में मिट गए अपने आप को मिटा के, तू मुझ में राज ना मैं तुझ में राज ना बोल के, तो वो लोगों के मजारों पे तुरबतों पे रहमत बरसती है अल्लाह की, तो तुम वहां जाने से वो शिर्क नहीं होता। जादूगर के पास जाना शिर्क, क्योंकि तुम जादूगर पे अकीदा रख के जा रहे हो तो बहुत गलत है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले तुम्हारा एक अकीदा उड़ा देता, उन्हें सबसे पहले एक बात बोलता कि जादू जादू से कटता, बोलते यहाँ क्या बात होती बारीकी से सोचना ये शिर्क होता, जादू जादू से कटता बोलते इसका मतलब कुरान उस पे काम नहीं करता ऐसा बोल देना चाह रहा हूँ मैं, जबकि गलत बात है, जादू जादू से नहीं कट सकता, जादू सिर्फ अल्लाह के कलाम से कटता बाकी किसी से नहीं कटता। लाख आजमा लो लाख देख लो, मैंने मेरे तजुर्बे देखे आ प्रैक्टिकल देखे आला है मैंने, मैंने जो देखा तुम तो वो देख भी नहीं सकते सोच भी नहीं सकते क्या क्या दास्तान है अल्लाह ने किसी दुनिया में रखा है, मेरे को सब इल्म मालूम है,
किसी को कैसा परेशान करना, किसी को कैसा मारना, किसी को कैसी बीमारी लगाना, किसी को क्या कर देना, किसी पे कैसा हमला कराना, फौरी हर चीज का इल्म बताया अल्लाह ने, खुद बहुत सिखा है, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मगर मैं सबको एक दास्तान बोलता कि किसी का बुरा मत करो, बुरा करेंगे तो तुम भी बुरा ही भुगतना पड़ेगा दुनिया के अंदर, कर भला तो हो भला, तुम सोचेंगे दूसरे के हाथ खड्डा करूंगा तो खुद भी खड्डे में जाते, बस अल्लाह तुम सब कहीं सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। मैं ये सब देखता हूँ मसले को, बहुत बुरा दिखता दुनिया के अंदर, क्या आलम चल रहा है, क्योंकि लोग दवाखानों में जा रहे हैं, जाओ दवाखाने में बीमारी है तो बताओ, सालों साल दवाखाने में जा रही बीमारी कंट्रोल में जा रही, फिर कई की बीमारी, बीपी नापने की मशीन है, शुगर नापने का मशीन है, हर चीज स्कैनिंग, बॉडी स्कैनिंग करने की मशीन है, मगर जादू टोना नापने की मशीन नहीं, जिस दिन जादू टोना कैच करने की मशीन चल बनेगी उस दिन तुमको फिर पता चलेगा क्या रहता हुआ, कैसा रहता, कैसा अम्मास के दिन चढ़ता, कैसा पूनम के दिन चढ़ता, खाली दिनों में उतरता, सब पता चलेगा, अभी बनते बनते तरक्की होते होते होंगे ना दुनिया में, जब तरक्की होंगी तो फिर आपको सब पता चलेगा, इसलिए बस इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो, कोई जादूगर के पास मत जाओ, एक तो तुम्हारे पैसे भी बर्बाद, तुम्हारा दीन ईमान दीन धर्म सब बर्बाद कर देता, भ्रष्ट कर देता, नष्ट कर देता उस चीज़ों को, इसलिए नहीं जाना, चलो ठीक है। अब इनका क्या बोलते हैं सामान्य।